हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना महामारी के कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसे देखते हुए एनएसयूआई ने सेव स्टूडेंट सेव फ्यूचर मुहिम के तहत प्रदेश सरकार से छात्रों का भविष्य बचाने की मांग की है। एनयूसीआई के प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ने शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि फर्स्ट और सेकंड के छात्रों को सीधा अगले ईयर में प्रमोट किया जाए और फाइनल ईयर के छात्रों को 10% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाए, साथ फाइनल ईयर की फीस भी माफ की जाए। छतर सिंह ने कहा कि कोरोना के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसलिए सरकार छात्रों को राहत प्रदान करे। पीजी कोर्स के एग्जाम भी जिला हेडक्वार्टर में आयोजित किए जाए ताकि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत भी छात्रों को ना उठानी पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके। निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं, जबकि सरकार ने केवल ट्यूशन फीस ही लेने के आदेश दिए थे, लेकिन निजी स्कूलों ने मार्च महीने में ही साल भर की फीस वसूल कर ली है। सरकार इसको लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर निजी स्कूलों पर लगाम कसे ताकि अभिभावकों को कुछ राहत मिल सके। सर, ये जो आज जो मुख्य मुद्दा था, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और राष्ट्रीय प्रभारी रुचि गुप्ता जी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे हिंदुस्तान में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें से प्रमोट स्टूडेंट एंड सेफ फ्यूचर के तहत इसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट है उनको डायरेक्टली प्रमोट किए जाने की मांग करते हैं और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स देकर पास किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस टाइम ऐसी स्थिति है कि हम एग्जाम नहीं दे पा रहे बच्चे, तो हम चाहते हैं कि इस मुहिम में बच्चों का जो टाइम भी वेस्ट ना हो और वो अगली कक्षा में भी जाए और उनका फ्यूचर भी सेफ रहे। इसके अलावा जो निजी स्कूलों का था, निजी स्कूलों से पहले 18% GST है, जिसका एनएसयूआई पूरा विरोध करती है। इसके अलावा जो निजी स्कूलों की फीस है, पिछले आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा कि पहले दिन हमारे शिक्षा मंत्री की स्टेटमेंट आती है कि भाई जो सरकार निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उनकी फीस माफ़ की जाती है। दूसरे दिन उनकी स्टेटमेंट आती है कि जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं। मुझे लगता है कि भाई जो शिक्षा मंत्री के जैसे गेस्टेड मंत्री है उनका जो बयानबाजी है यही एक अच्छी हरकत है, क्योंकि आप इस जो उनकी जो बयान है वो ये दर्शाता है कि वो प्राइवेट स्कूलों के प्रेशराइज में आ रहे हैं। और दूसरी जो मैंने यहाँ पे बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत भी कि प्रीवियस जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल है, 2-4 स्कूलों के अलावा सब स्कूलों की जो फीस है वो मार्च में या फरवरी में जमा की जाती है, उसके बाद पूरे साल में ट्यूशन फीस ले जाती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स पे दबाव डाल रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती साइन करवा के जो लेटर है वो ऑथराइज लेटर ले रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से फीस जमा कर रहे हैं। हम चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि आप उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जिसमें इसे जांच की जाए कि भी इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा मेन मुद्दा है। अपना परिचय दीजिए। छतर सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष NSYI हिमाचल प्रदेश।